नमस्कार, मैं मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं अकोला में हमारा खुद का हॉस्पिटल है, केड़कर हॉस्पिटल, जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ एज अ साइकेट्रिस्ट। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है एपिलेप्सी या फीट्स की बीमारी, जिसको हम अपस्मार भी बोलते हैं। फीट की जो बीमारी है यह लगभग 1% लोगों को पूरे समाज में होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सोसाइटी है, इंडियन जो सोसाइटी है, उसमें जो प्रॉब्लम ये है कि अनफॉर्चुनेटली उनको वो लोग ये डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं कि ये फीट की बीमारी है, और उनको लगता है कि ये पेशेंट के ऊपर कुछ जादू टोना हुआ है, कुछ काला जादू हुआ है, और इसलिए वो अच्छी तरह से ट्रीटमेंट ले नहीं सकते और पेशेंट की कंडीशन खराब होती जाती है। फीट्स की बीमारी ये डेफिनेटली अच्छी हो सकती है और उसकी ट्रीटमेंट लेना बहुत ही आवश्यक है। अगर एपिलेप्सी या फीट की बीमारी की अगर ट्रीटमेंट लिया नहीं तो पेशेंट की जान भी जा सकती है और पेशेंट का जो ब्रेन है वो पूरी तरह खराब हो सकता है। फीट या एपिलेप्सी मतलब होता क्या है? होता क्या है, अगर हमारे ब्रेन में कुछ तांत्रिक मतलब टेक्निकल कुछ बिगाड़ हो गया और जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो अगर खराब हो गए तो वो व्यक्ति को एपिलेप्सी या फीट की बीमारी होती है। ये मैंने सिंपल भाषा में बताया। अगर न्यूरोलॉजिकली देखा जाए तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, लेकिन सिंपल भाषा में मैंने ये बताया कि टेक्निकल एबनॉर्मलिटीज के कारण कोई भी व्यक्ति को फीट हो सकती है। क्या फीट किसी को भी आ सकती है? हाँ, फीट किसी को भी आ सकती है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, पुरुष हो, स्त्री हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी को भी कोई भी प्रकार की फीट आ सकती है और कोई भी उम्र में फीट किसी को भी आ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को फीट आती है तो सबसे पहले हमने ये देखना चाहिए कि हमें उसका इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन मतलब ईईजी जो हम करते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, जो बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशंस है, वो कम्प्लीटली इन्वेस्टिगेट करके हमने ये देखना चाहिए कि ब्रेन में कुछ फॉल्ट है क्या। अगर ब्रेन में कुछ फॉल्ट निकलता है तो हमने, या ब्लड में कुछ फॉल्ट निकलता है तो हमने उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रेन में कोई ट्यूमर के कारण या इन्फेक्शन के कारण या कोई बीमारी के कारण फीट आ सकती है। अगर ये बीमारी के कारण या ट्यूमर के कारण फीट आती है तो वो ट्यूमर का ट्रीटमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन्वेस्टिगेशंस मतलब सीटी स्कैन, एमआरआई, ईईजी और ब्लड इन्वेस्टिगेशंस अगर नॉर्मल निकलते हैं तो फिर इसका मतलब है कि अब हम सेफ है, अब हम उनको ट्रीटमेंट देके पेशेंट को अच्छा कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की फीट की बीमारियां होती है। कुछ लोगों को जनरलाइज बीमारी होती है, कुछ लोगों को पार्शियल बीमारी होती है। फीट में एग्जैक्टली होता क्या है? फीट में जनरलाइज टोनिक क्लोनिक कन्वर्जन होते हैं, मतलब हमारे जो हाथ है वो झटका मारने लगते हैं, मुंह से लार आने लगती है, सिर पूरा टेढ़ा हो जाता है, आंखें ऊपर जाती है और पूरा पेशेंट को कंफ्यूजन होने लगता है और पेशेंट की जीभ कट जाती है, मुंह से फेस आने लगता है और पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। बहुत सारे लोग 15-20 मिनट तक भी बेहोश हो सकते हैं और जब वो उठते हैं तो पेशेंट को कुछ भी समझता नहीं है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट इक्टल कंफ्यूजन। पेशेंट को ये समझता नहीं है कि मुझे हुआ क्या है, मुझे प्रॉब्लम क्या है, मैं कहां हूं, ये तक पेशेंट भूल सकता है। तो इसमें हमने ये समझना जरूरी है कि पेशेंट नाटक नहीं कर रहा है, ये एक्चुअली पेशेंट को बीमारी हो रही है। बहुत सारे पेशेंट हमने ऐसे भी देखे हैं जिसमें पेशेंट को ऑरा होता है। ऑरा मतलब पेशेंट को ये मालूम पड़ता है कि अब मुझे फीट आने वाली है, एपिलेप्सी आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, पूरे शरीर में चीटियां आने लगती है, चेहरे के सामने अलग अलग कलर आने लगते हैं, अलग अलग इमेजेस आने लगते हैं, सिर घूमने लगता है, चक्कर आने लगती है, तो इसको हम बोलते हैं प्री एपिलेप्टिक ऑरा, मतलब एपिलेप्सी या फीट के पहले आने वाले ऐसे कुछ सिम्टम्स जिससे पेशेंट को यह समझ में आता है कि अब हमें फीट आने वाली है। मजे की बात यह है कि जो फीट की जो दवाइयां है वो इतनी इजीली अवेलेबल है, लेकिन फिर भी गांव गांव में लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये फीट के ऊपर दवाई भी उपलब्ध है। अभी तक ऐसे कुछ लोग है जो फीट आने के बाद पेशेंट को कांदा जो होता है प्यास सुंघाते हैं, चप्पल सुंघाते हैं, पेशेंट को मारते हैं और उनको लगता है कि पेशेंट ये बीमारी से, ऐसा करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब करने से पेशेंट ठीक होता नहीं। पेशेंट ठीक होता है तो दवाई से और इन्वेस्टिगेशन से और ट्रीटमेंट से। इसलिए अगर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति मिला जिसको एपिलेप्सी की बीमारी है और अगर वो दवाई नहीं ले रहा है
या उसको दवाई लेने के बावजूद उसकी फीट चालू है, तो डेफिनेटली आपने हमें कंसल्ट करना चाहिए, आपने हमें दिखाना चाहिए। आगे के वीडियो में मैं फीट आने के पश्चात क्या क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, क्या क्या प्रिवेंशन करना चाहिए, ये मैं बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही आगे का वीडियो लेके आऊंगा। धन्यवाद।